Everyone, today we are going to start a new chapter in your GK book, Life Skills. Life skills are skills we need from day to day. There may be times when you need to know certain information. Skills का मतलब होता है आप में कुछ ना कोई ऐसी खूबी. हम लोग आज सीखेंगे जो हमारे day to day life में हमको इतना आना चाहिए. Filling the following details and remember them. सबसे पहला क्या है? House address. ये क्या है? हमारे घर का address. जैसे जो घर पे आप रह रहे हो, जो इलाके में आप रह रहे हो, उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है. जैसे नंबर, घर का नंबर लिखेंगे पहले हम लोग कि हमारा घर का जो भी एक्स वाई जो भी नंबर हो, मैं अभी 20 लिखती हूँ. फिर हमारी जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी का नाम लिखेंगे हम लोग. फिर कौन से नगर में रह रहे हैं, एरिया कौन सा है हमारा, ओके. और मोरबी वन और टू जो हमको लिखना है. फिर फादर नेम एंड मोबाइल नंबर, पापा का नाम, फादर का नाम क्या हो है वो हम लोग लिखेंगे, फादर का नाम और उनका मोबाइल नंबर. फिर मदर्स नेम एंड मोबाइल नंबर, मम्मा का नाम लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर हम लोग लिखेंगे, ठीक है. और क्लोज रिलेटिव्स नेम एंड मोबाइल नंबर, अगर मम्मी पापा को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, मम्मी पापा को फ़ोन करते समय मम्मी पापा नहीं उठा रहे या कोई भी रीज़न है कि फ़ोन नहीं लग रहा हो, तो हम लोग कोई ऐसा जो आपके एकदम क्लोज हो, जो पापा का एकदम क्लोज फ्रेंड हो, चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूआ हो, फूफा हो, वो कोई भी, तो आपके उनके नंबर यहाँ पर अंकल और आंट कोई में से एक का नंबर आप यहाँ पर लिखोगे, यानी क्लोज रिलेटिव्स का नाम और नंबर. नेबर्स नेम एंड मोबाइल नंबर, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे नेबर होते हैं, हमारे घर के बाजू में रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर, नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे. हमारे स्कूल का नाम, हमारे स्कूल का नाम क्या है? सेवी इंटरनेशनल स्कूल है ना. टीचर्स नेम, जो आपकी क्लास टीचर है उनका नाम. इस साल तो हमको हमारे क्लास टीचर का नाम नहीं पता, जो आपकी फेवरेट टीचर हो उसका नाम आप लोग यहाँ लिख सकते हो, ओके. हम लोग को एटलीस्ट इतना बेसिक तो हमको आना चाहिए कि हमारे घर का एड्रेस, हमारे पापा का नाम और उनका मोबाइल नंबर, मम्मा का नाम और उनका मोबाइल नंबर. बाय चांस हम लोग कहीं भी खो गए, कहीं मिस हो गए या कहीं भी हमको मम्मा और पापा की ज़रूरत पड़ गई और हमको अगर मोबाइल नंबर ना पता हो तो उस टाइम पे हमको अगर हमारे पापा और मम्मा का नंबर पता हो तो हम लोग कहीं से भी किसी के भी मोबाइल से हेल्प से मोबाइल में से फ़ोन लगा के मम्मा को बता सकते कि मम्मा हम लोग यहाँ पर है, आप मुझे लेने आ जाओ. कहीं हम लोग खो गए या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग उस टाइम पे किसी की मदद से हमारे घर के एड्रेस तक पहुँच सकते हैं या मम्मा और पापा को कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर मम्मा और पापा का कांटेक्ट नहीं लग रहा है तो फिर हमारे अंकल, आंटी, चाचा, चाची, फूफा, मामा, मौसी, कोई भी जो हमारे सोसाइटी में मीन्स अभी हम लोग मोरबी में रह रहे हैं तो मोरबी में ही वो भी रहते हो तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे घर के आसपास कोई अंकल हो जिनको हम लोग सूचना दे सकें उनका नंबर, ठीक है. दिस इज़ योर वर्क, यू हैव टू कंप्लीट दिस. बीइंग सेफ व्हेन यू आर अलोन, हम लोग घर पे हो तब हमको कैसे रहना चाहिए अकेले. जैसे मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हो और मम्मी पापा बोल के गए कि घर पे रहना, हम लोग अभी आ जाएंगे, अर्जेंटली जा रहे हैं, और हम लोग पूरे घर में अकेले हो, तब हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Lock all the doors leading to the outside. हमको सब सारे के सारे दरवाजे बंद करके घर में रहना चाहिए. Do not open the door to strangers. कोई भी अनजान आदमी के लिए हमको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. जब भी आप लोग दरवाज़ा लॉक करके बैठे हो, कोई नॉक करे, बेल बजाए, तो क्या पूछोगे आप पहले कौन हो? अगर वो बोले कि मैं पापा का फ्रेंड हूँ या मम्मा की फ्रेंड हूँ, तो आप बोलोगे कि मम्मी पापा आएंगे तब आप आ जाना, तब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे और आप अपने पापा को कॉन्टेक्ट करोगे कि पापा ऐसे कोई आया हुआ है, और आप किसी भी स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाज़ा नहीं खोलोगे. Do not light gas stoves. हमको घर में जब भी हम अकेले हो या मम्मी भी हो, फिर भी हमको कभी गैस को नहीं छूना चाहिए, ना ही उसको चालू या बंद करना चाहिए. Do not climb on a stool or a step ladder. किसी भी सीढ़ियों पे, स्टूल पे नहीं चढ़ना चाहिए. अगर बैलेंस हट गया वहाँ से तो आप सीधा नीचे गिरोगे और आपको फ्रैक्चर हो सकता है, चोट लग सकती है. Fun time. What will you do if strangers ask you to go somewhere with him or her?
यू शुड से नो. वॉट यू विल से नो. कहीं अगर आपको ना ही आप पहचानते हो ना ही कुछ भी करते हो तो आप क्या बोलोगे कि नहीं. और फिर भी अगर वो ना माने तो आप जोर जोर से चिल्लाओगे. इफ़ यू आर लॉस्ट इन अ शॉपिंग मॉल देन यू विल गो टू देन यू विल. अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल में मम्मी पापा के साथ गए और आप खो गए तो आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले काउंटर में जाओगे. काउंटर में जाके वहाँ पर ऑफिस वाले जो अंकल बैठे रहते हैं उनको या जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको जाके बोलोगे कि मैं खो गया हूँ, मेरे मम्मी पापा के नंबर पर कॉल कीजिए और उन्हें यहाँ पर बुलाइए, या तो फिर माइक में अनाउंस करवाएंगे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. इफ़ यू आर वेटिंग अलोन एट अ बस स्टॉप, अगर हम लोग बस स्टॉप में कहीं भी अकेले खड़े, वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. किसी अनजान से बात नहीं करेंगे. किसी भी कोई भी अनजान आदमी कोई हमको आके लिफ्ट दे रहा है तो हम उनको भी लिफ्ट में नहीं जाएंगे, किसी का भी हेल्प नहीं लेंगे और हम लोग भी केयरफुल से रहेंगे. ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर बुक किड्स. बाय.